नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। मैं हूं विशाल पांडे। बंगाल की भूमि में साहित्य, कला और सृजन की उर्वरता है। इसी साहित्य की उर्वरा भूमि के जाने माने हस्ताक्षर सुनील गंगोपाध्याय जी का आज जन्मदिन है। आपको साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के लिए भी चुना गया। गंगोपाध्याय जी ने 200 से अधिक किताबें लिखी और कुछ पर फिल्में बन चुकी हैं। सुनील गंगोपाध्याय बंगाल साहित्य जगत में 1953 में चर्चा में आए और बाद में नई पीढ़ी के सबसे उर्वर और ऊर्जावान साहित्यकार के तौर पर स्वीकार किए गए। नए लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए काव्य पत्रिका कृतिवास ने कई अवसर उपलब्ध कराए। गंगोपाध्याय जी मूलतः कवि थे, लेकिन पद्य के साथ ही गद्य से भी उनका बराबर का अनुराग था। विशिष्ट शैली में लेखन के कारण उनकी रचनाओं का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। पटकथा लेखन के लिए उन्हें स्वर्ण कमल पुरस्कार भी मिल चुका है। सत्यजीत रे की चर्चित फिल्म अरेंजेर दिनरात्रि और प्रतिद्वंद सुनील गंगोपाध्याय जी की ही रचना है। इधर चर्चा में आई फिल्म वाटर भी उनकी लिखी हुई कहानी थी। वस्तुतः वे आधुनिक बंगाली साहित्य के प्रणेता हैं। 7 सितंबर 1934 को फरीदपुर के मैछपरा में, जो कि अब बांग्लादेश में है, जन्मे गंगोपाध्याय जी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे, लेकिन इस विषय में उनकी रुचि कम ही थी। बंगाल और दिल्ली में नौकरी करने के बाद उन्होंने इससे किनारा कर लिया और भावनाओं और समाज की संवेदनाओं को छूने वाली रचना की ओर रुख किया। भावनाओं के आदमी को भला नौकरी कैसे रास आती? सुनील गंगोपाध्याय ने नौकरी छोड़ दी और शिक्षण के क्षेत्र में कदम रखा। सुनील गंगोपाध्याय बंगाल साहित्य जगत में 1953 में चर्चा में आए और बाद में नई पीढ़ी के सबसे उर्वर और ऊर्जावान साहित्यकार के तौर पर स्वीकार किए गए। नए लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए काव्य पत्रिका कृतिवास ने कई अवसर उपलब्ध कराए। इस पत्रिका के वे संस्थापक संपादक भी रहे। अपनी संवेदनशीलता और भावों को शब्दों में पिरोने के उनके हुनर और कमाल की क्राफ्टमैनशिप के कारण गंगोपाध्याय जी को कई पुरस्कार और सम्मान मिले। सन 1985 में उनकी कृति सही समय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इससे पहले उन्हें बंकिम पुरस्कार और 2 बार आनंद पुरस्कार भी मिला। 1998 से 2000 तक के लिए वह साहित्य अकादमी के सदस्य भी रहे। उनकी कृतियों में सही समय, श्रेष्ठ गल्प, सुनील गंगोपाध्याय श्रेष्ठ कविता, नीलालोहित समग्र प्रमुख हैं। वर्ष 1979 में उन्होंने पूर्व पश्चिम के लिए आनंद पुरस्कार प्राप्त किया। इसी साल उन्हें साहित्य सेतु पुरस्कार भी दिया गया। 1999 में नीलोहितेर गल्प कहानी पर सुनील गंगोपाध्याय को आनंद स्नोचेन पुरस्कार दिया गया। 2003 में आनंद शंकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2005 में प्रथम आलू के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। अपने संपूर्ण साहित्य के लिए उन्हें राम मनोहर पुरस्कार भी मिला। आज सुनील गंगोपाध्याय जी की जयंती पर चकाचक एक्सप्रेस उन्हें नमन करता है। नमस्कार।